Welcome to the biggest township project, DZT. Corporate and commercial spaces available at DZ City that sits right in the heart of Pune. With connectivity from every corner, DZ City is under construction with tremendous speed. You get luxurious amenities like swimming pool, gym, clubhouse, jogging track, banquet hall, kids play area and all that with fresh air environment. 24-hour security system with power backup generator for every time. From stadiums to hospitals, schools and market within few minutes of distance. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, काम रुका नहीं है ना ही रुकेगा। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर डीजेड सिटी में। कॉल नाउ। विशालगढ़ गजापुर मस्जिद मुस्लिम आबादी हमले पर मुमरा में हुए ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट को लेकर हिंदुत्ववादी संगठन के युवक ने कैसे बनाया वीडियो, साथ ही क्या कहा और क्या है वायरल मैसेज। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। 14 जुलाई रविवार को कोल्हापुर के विशालगढ़ मलिक रेहान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह परिसर में उत्पात मचाया गया, तोड़फोड़ की करने की कोशिश की गई, पथराव किया गया, दरगाह पर हमला करने की भी साजिश की गई और कोशिश की। इतना ही नहीं, वहां से उतरने के बाद 6 किलोमीटर दूर गजापुर गांव मुस्लिम आबादी पर हमला, मस्जिद पर हमला, मस्जिद में तोड़फोड़, कुरान जलाना, मकानों में भी घर घुस के मुस्लिमों के कुरान जलाना, ये सब होने के बाद इसके निषेध में और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर के मुमरा गौसा में ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट किया गया था। ये ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट 19 जुलाई शुक्रवार को किया गया और किस तरीके से ये प्रोटेस्ट हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा, इसकी खबरें सब तरफ पहुंची। अब आइए आपको बताएं कि शिवली नगर के दहाने से जब ये ह्यूमन प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तो एक हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े एक युवक ने, जिसका नाम है राहुल दत्ता खैर, ये राहुल दत्ता खैर यहां पहुंचता है और इसने ये वीडियो बनाया है। वीडियो हमारे पास आया है, इसका खुद का बनाया हुआ वीडियो है। राहुल इस वीडियो में क्या कह रहा है आपको सुनाई देगा। तो ह्यूमन चेन का प्रोटेस्ट क्यों था? तो पीड़ितों को जिनकी लीगल प्रॉपर्टीज, वैध संपत्तियां थी, उनको तोड़ने का अधिकार इन आतंकियों को छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके किलों के नाम पर किसने दिया? ह्यूमन चेन का प्रोटेस्ट इसलिए था कि कानून का राज इस राज्य में है या नहीं, इस देश में है या नहीं, सरकार इन दंगाइयों पे, आतंकियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, इस साजिश की जांच करे, उसका पर्दाफाश करे, पीड़ितों को मुआवजा दे, मस्जिद का पुनर्निर्माण करवा के दे। और इसमें प्रचारित किया जा रहा है, आपको बता दे कि विशालगढ़ के अतिक्रमणों को हाथ लगाया गया, विशालगढ़ पर अगर किसी ने भी अतिक्रमण किया है तो सरकार, वहां का कोल्हापुर जिले का स्थानीय प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से आजाद है कि वो कार्रवाई करे। किसी को कोई कानूनी हक नहीं, किसी भी मुस्लिम को नहीं, किसी भी हिंदू को नहीं, किसी भी अन्य समाज के या अन्य धर्म के व्यक्ति को नहीं, लेकिन वो अवैध होना चाहिए। जिन पर हाईकोर्ट ने स्टे दे रखे ऐसी प्रॉपर्टीज पर जाकर के कार्रवाई की गई। बहरहाल वो मुद्दा हमारे ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट का था ही नहीं, हमारा मुद्दा था कि जो मलिक रेहान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह परिसर में तोड़फोड़ की करने की कोशिश की गई, पथराव किया गया, पुलिस पर हमला किया गया, तो इसकी जांच होनी चाहिए। गजापुर मस्जिद पर और मुस्लिम आबादी पर जो हमला किया गया उस पर कार्रवाई और जांच होनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मगर राहुल दत्ताराम खैर क्या कह रहा है इस वीडियो में और इस वीडियो को व्हाट्सएप पर कैसे वायरल किया जा रहा है, उसके साथ क्या मैसेज दिया जा रहा है, वो हम आपको बताएंगे। अभी ह्यूमन चेन का प्रोटेस्ट जो है उसका मकसद, उसके मुद्दे सारे मीडिया के सामने खुल करके कहे गए, लेकिन हिंदू समाज के युवकों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए किस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है आईटी सेल, राइट विंगर्स ग्रुप द्वारा, भाजपा द्वारा, हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा, तो ये मैसेज हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। फक्त विशाळगडाचा अतिक्रमणाला हात लावला तर मुमऱ्यात म्हातारा, तरुण, लहान मूल असे सर्वांना घेऊन एकत्र आलेत, हिंदूंनो संघटित व्हा, आपल्या पोरांना जागृत करा, कोणत्याही हिंदुत्ववादी संघटनेत पाठवा, सर्व संघटना एकच आहेत, तुम्ही जिथं राहता त्या विभागातील कोणताही राजकीय नेता तुम्हाला वाचवायला येणार नाही, वेळीच सुधरा। तो ये मैसेज इसके साथ चलाया गया है। तो किस तरह का जहर हिंदू समाज के युवाओं में मुसलमानों के प्रति भरा जा रहा है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। मुमरा में 19 जुलाई शुक्रवार को विशालगढ़ गजापुर के हमले को लेकर किया गया ह्यूमन चेन का प्रोटेस्ट जो है उसका मकसद,
उसका उद्देश्य साफ था। और इस पे मैसेज देखिए किस तरीके से फैलाया जा रहा है इन हिंदुत्ववादी संगठन से के जुड़े लोगों द्वारा। राहुल दत्ताराम खैर उसका एक सबसे बड़ा जीवित उदाहरण सामने आया है। दत्ताराम खैर आपल्याला व्हिडिओ टाकली होती की आपण ह्या व्हिडिओ विशालगडावरच्या इकडे तिकडे पाठवू नका, सरकार याच्यावर काम करते। आज बघा हे लोक रस्त्यावर उतरलेले आहेत। आता आपल्या सगळ्यांची एकी असणं खूप गरजेचं आहे। लहान मुलांसकट हे लोक रस्त्यावर उतरलेत, बघा हे पूर्ण मुंबईमधील दृश्य आहे, आपल्याला सगळ्यांना दाखवतं आहे। सगळ्यांनी याकडे लक्ष द्यायचं, लक्षात ठेवा। तो एक बात यहाँ पर बता दूं कि महाराष्ट्र में जितने भी गढ़ किले हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब इन पर जीत हासिल फतेह हासिल, तो उससे पहले भी कई राजा महाराजाओं ने उन पर राज किया। उसमें अलग अलग देशों के आए हुए आक्रमणकारी शासक भी थे। राजपाट की लड़ाई थी, धर्म की कोई लड़ाई नहीं थी, और उसके बावजूद राजा महाराजा बदलते गए। इतना ही नहीं, आप अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव प्रेमी बनकर की भी बात करेंगे, तो छत्रपति महाराज जो रहते थे राजा थे, उन्होंने भी इन मस्जिदों को इन मंदिरों को संरक्षण दिया, उनकी देखभाल की। ऐसा ही मराठों का और दरगाहों का संबंध बताया नहीं जाता। इतिहास पहले हिंदू समाज के युवक जान ले, और उसके बाद जो है वो इस जहरीले और गलत दुष्प्रचार पर भी विचार करें कि उन्हें किस तरह से गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है। आज एक रहने वाले समाज को जो है अलग करके तोड़ा जा रहा है।